आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आपके होश उड़नाते हैं। आपको पता ही होगा, अभी हाल ही में एक खबर सुर्खियों में बनी हुई है जो डोनाल्ड ट्रंप की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने एक पोर्न स्टार से संबंध बनाए और उसे चुप रहने के लिए 91 लाख रुपए दिए। आज हम आपको भारतीय राजनीति के उन नेताओं और एक महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जो घर में चौका बर्तन करते करते नेताओं के बिस्तर तक पहुंची थी। बता दें कि जोधपुर जिले के बोरुंदा की रहने वाली नट जाति की भंवरी देवी, जिसने नस की नौकरी के साथ राजस्थानी लोक गीतों में एल्बम भी बनवाई थी, राजस्थानी फिल्मों में हीरोइन बनने के लिए भंवरी देवी भटक रही थी कि तभी उसकी मुलाकात कांग्रेस के नेता मलखान सिंह बिश्नोई से हुई, जिसके बाद दोनों का मिलना जुलना होता गया और दोनों की दोस्ती परवान चढ़ती गई। बाद में दोनों के रिश्ते ने एक बेटी को भी जन्म दिया। इसी दौरान भंवरी के मन में राजनीति करने का भाव जाग उठा। भंवरी ने मलखान के अलावा कांग्रेस नेता परसराम मदेरना के पुत्र महिपाल मदेरना से भी दोस्ती कर ली। ये दोस्ती देखते हुए वह मलखान और महिपाल की नजरों में आ चुकी थी। वक्त के साथ वह दोनों नेताओं के करीबी रहने लगी और उसे सत्ता की ताकत का एहसास होता गया। इन दोनों नेताओं की वजह से ही उसकी मुलाकात और भी नेताओं से होती गई। देखते देखते ही मामूली भंवरी देवी की जिंदगी पूरी बदल गई। उसने नया घर बनवाया और नई कार भी खरीदी। इसके बाद अपने बच्चों का एडमिशन नामी स्कूलों में कराया। बता दें, अब भंवरी राजनीति में आ चुकी थी। भंवरी को बिना ड्यूटी जाए ही पूरी तनख्वाह मिलने लगी थी, जिसके बाद में भंवरी ने ईमेले बनने के लिए टिकट मांगना शुरू कर दिया, लेकिन महिपाल और मलखान ने उसकी इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने इन दोनों नेताओं के साथ अपनी सेक्स सीडी बनवा ली। बस फिर क्या था, वह इन सेक्स सीडी के दम पर दोनों नेताओं को धमकाने लगी, जिसके बाद दोनों नेताओं ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसने फिर भी हार नहीं मानी और वह जयपुर कई नेताओं से मिलने पहुंची। बता दें कि भंवरी के पास सेक्स सीडी, यह बात सार्वजनिक होती गई। फिर भंवरी और दोनों नेताओं के बीच सारे गिले शिकवे दूर हुए और फिर समझौता हो गया। इसके बाद सभी में बातचीत होना शुरू हो गया। बता दें कि मदेरना ने मजबूर होकर भंवरी देवी को 60 लाख रुपए देने का वायदा किया था, जिसके लिए वो 10 लाख रुपए पहली किस्त भी दे चुके थे। गौरतलब है कि बाद में भंवरी देवी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए बिश्नोई समाज के सबसे बड़े खेजड़ली शहीदी मेले में जाने की घोषणा कर दी। उसकी योजना थी कि वह वहां जाकर अपना पक्ष रखकर मांग करेगी। इस मामले में फिर मलखान की बहन इंदिरा बीच में आ गई और उसने भंवरी का अपहरण कर सीडी छीनने की योजना बना ली। भंवरी ने अगस्त 2011 में अपनी कार बेची और उसी का बकाया 4 लाख रुपए देने के लिए 1 सितंबर को सोहनलाल नामक व्यक्ति ने फोन करके भंवरी को अपने घर बुलाया, जिसके बाद सोहनलाल ने उसका अपहरण कर विशनाराम गैंग को सौंप दिया। उन लोगों को योजना भंवरी से सीडी लेने की थी, लेकिन भंवरी ने रास्ते में ही चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे में उसे चुप कराने के लिए भंवरी की गला दबाकर हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद इस केस में कई मंत्री सजा काट रहे हैं और इस मामले में राजनीति में भूचाल ला दिया था।